हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन, जिसके लिए मैंने ले लिया है हाफ के जी चिकन। और इसको हमने अभी फ्रीज़र में लगाना है। उससे पहले हमने इसमें नमक डालेंगे इसमें, और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे, जैसे कि हमने नमक ले लिया एक चम्मच के करीब। और इसमें हल्दी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें और साथ में डालेंगे आधा नींबू का रस। इसके बाद इसको हम फ्रोज़न बनाने के लिए हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में लगा रहे हैं। दूसरी साइड हमने तड़के के लिए तीन टमाटर लिए हैं बड़े, चार प्याज लिए हैं, दो हरी मिर्च कट करके ले लिए, लहसुन ले लिए, अदरक, ये सब चीज़ें हम तड़के में यूज़ करेंगे। खड़े मसालों में मैंने लिया है एक मोटी इलायची, हरी इलायची, लौंग लिए हैं, काली मिर्च, धनिया, दालचीनी, जीरा और तेज पत्ते। ये सब चीज़ें हम खड़े मसालों में यूज़ करने वाले हैं, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हमने कुकर ले लिया है, तेल गरम कर लिया है, और उसमें एक एक करके हम खड़े मसाले डालेंगे। मोटी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, जो हमने खड़े मसाले लिए थे सारे हम एक एक करके इसके बीच में डाल देंगे, और इन्हें रोस्ट होने देंगे ताकि इनका फ्लेवर आ जाए। सारे मसाले हम डाल चुके हैं इसमें। इसके बाद हम डालेंगे लहसुन। लहसुन हम पहले डालेंगे ताकि इनका थोड़ा फ्लेवर आ जाए, ये ब्राउन हो जाए थोड़ी सी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को डालने के बाद हम इसे चार मिनट के लिए पकाएंगे। पकने के बाद ये थोड़ा पिंकिश सा जब लगने लगेगा, तब हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। चार मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारा प्याज है वो उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, और लहसुन जो है हमने डाला था पहले डाला था वो भी ब्राउन हो चुका है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च जो हमने ली थी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, और साथ में ही टमाटर डाल देंगे, और साथ में नमक ज़रूर डालेंगे ताकि ये जो टमाटर हमने डाले बीच में वो थोड़े गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। अभी हम इसको अच्छी तरह से चलाते जाएंगे, और ये जो टमाटर हैं सॉफ्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद में हम हमारी किचन वाले मसाले डालेंगे जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। हमने हल्दी डाली है, देगी मिर्च डाली है कलर के लिए, ये कड़वी नहीं होती, जस्ट कलर के लिए होती है। अच्छे से इसको हिलाएंगे ताकि तड़के में जो हमने मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर आ जाए, और ये हल्दी जो हमने डाली वो थोड़ी पक जाए। इसके बाद दोस्तों हमने इसे दो विसल लगवानी है, तड़के को दो विसल लगवानी है ताकि जो हमारा तड़का है वो अच्छे से गल जाए, मोटा मोटा सा ना नज़र आए, और टमाटर वगैरह अच्छी तरह से मैश हो जाएं। आप देख सकते हो दोस्तों, दो विसल के बाद हमारा तड़का ऐसा दिखने लगेगा, तड़के में कलर भी आ गया जो हमें चाहिए था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जो हमने फ्रोज़न कर लिया था। धीरे धीरे करके इसमें चिकन डालेंगे। और इसे अच्छे से
चलाएंगे ताकि जो इसमें फ्रोज़न चिकन है इसमें मसाला पूरा जो उसका रंग चढ़ जाए और फ्लेवर आ जाए। तीन से चार मिनट हम इसे ऐसे ही पकाएंगे ढककर ऊपर से, ताकि इसमें जो नमक मिर्च हमने डाला है वो चिकन में उसका फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा गिलास पानी, ज़्यादा नहीं डालना फिर आपकी तरी ज़्यादा बन जाएगी और अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। आधा गिलास हमने इसमें पानी डाला है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पानी एक सार हो जाए। उसके बाद में हम कुकर बंद करेंगे और इसकी फोर विसल तक वेट करेंगे। फोर विसल इसकी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, इसका प्रेशर निकाल लीजिए और कुकर खोल लीजिए। ये हमारा जो तरी वाला चिकन है वो बनकर रेडी है, आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा बना है और इसकी जो ग्रेवी तरी बनी है बहुत अच्छी तरह से बनी है। अब दोस्तों हम इसे सर्व करेंगे। मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में हम ये चिकन डालेंगे बना हुआ, आप देख सकते हो दोस्तों ये बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत अच्छी तरह से बना है। इसको गार्निश करने के लिए मैंने धनिया का प्रयोग किया है और आपका चिकन अब बनकर रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजी वे है घर में बनाने के लिए और बहुत ही सिंपल है, कुछ खास चाहिए नहीं होगा इसके लिए, घर में जो चीज़ें हैं वही यूज़ होंगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी ट्राई भी कीजिए। थैंक यू।